महाराजगंज के परसा मलिक थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक पुजारी और साध्वी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना महदैया गांव की है। मंदिर में रखी हाथी की मूर्ति से दोनों पर वार किया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने मंदिर में शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार महदैया गांव निवासी रामरतन मिश्र ने शादी नहीं की थी। उन्होंने गांव में अपने निजी खर्च से माई के मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर पर पिछले ढाई दशक से नेपाल के ढक ढाई चेनपुरवा की महिला कलावती रहकर पूजा पाठ करती थी। लोग उन्हें भी साध्वी के नाम से पहचानते और सम्मान देते थे। कुछ दिन पहले पुजारी रामरतन मिश्र वाराणसी से हनुमान जी की मूर्ति लाए थे। मूर्ति को मंदिर में स्थापित कराने के बाद उन्होंने भंडारा कराया था। बताया जा रहा है कि पुजारी के दो अन्य भाई हैं। कुछ दिन पहले रोहित बैराज में उनकी जमीन निकली थी। मुआवजे के रूप में उन्हें भी 14 लाख रुपए मिले थे। ग्रामीणों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में ही लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ होगा। वहीं सूचना पर एसपी प्रदीप गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। हत्या किन कारणों से की गई है इसकी जांच की जा रही है।